हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी ट्रेडिशनल रेसिपी इंद्रहार। ये पांच दालों से बनती है, इसलिए ये प्रोटीन रिच है और आप इसको इवनिंग स्नैक और सब्जी दोनों तरह से खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पांच दालें मैंने ली हैं। ये उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है और अरहर की दाल है। ये मैंने दो दो टेबलस्पून दाल लिया था और इसको 3 घंटे के लिए मैंने सोक करके रखा था और वॉश कर लिया है अब इसको। और अब हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। सो पेस्ट बनाने के लिए पहले हम 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें। और अब ये सारी दालें इसमें एक एक करके एक साथ डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा दाल का पेस्ट बन गया है। अब हम इसको एक बोल में निकालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा हींग, और इसको हम करीब 4 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। मैंने इसे पूरे 4 मिनट तक फेंट लिया है। ये दाल थोड़ी सी फूल गई है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के इसको मिक्स करूँगी। मैंने ये बर्तन लिया है, इसमें मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है चारों तरफ थोड़ा सा। अब मैं ये दाल का पेस्ट इसमें डाल करके इसको 20 मिनट्स तक स्टीम करूँगी। ये मैंने स्टीमर में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें ये दाल का पेस्ट रखूँगी 20 मिनट्स के लिए स्टीम करने के लिए। पूरे 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब देख लेते हैं ये दाल पक गई है कि नहीं। ये देखिए, ये फोक बिल्कुल क्लीन बाहर आ गया है, ये पक गई है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और ठंडा करके इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। देखिए, ये मैंने इंद्रहार को ठंडा करके और इतने बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं। ये स्टीम्ड भी खाए जा सकते हैं। और अब मैं इसको फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद इसकी सब्जी बनाएंगे। देखिए, ये इंद्रहार फ्राई करने के बाद ऐसे दिखते हैं। आप इनको स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। और अब हम इसकी सब्जी भी बनाएंगे। हमने इंद्रहार फ्राई कर लिए हैं, अब इसकी सब्जी बनाते हैं। इसकी सब्जी बनाने के लिए मैंने पैन में 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें अब ये कुछ मसाले डालेंगे। ये मैं 1 तेज़पत्ता डाल रही हूँ, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 8 से 10 ब्लैक पेपर काली मिर्च, 4 लौंग, 1 इंच का दालचीनी और 1 छोटी सी लाल मिर्च। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। ये खड़े मसाले डालने के बाद मैं ये 3 टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। मैंने 3 टमाटर में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डाल के इसका पेस्ट बनाया था। अब मैं इसमें ये डालूंगी। ये मसाले को हमको करीब 7-8 मिनट तक भुनना है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, और लास्ट में हम डालेंगे ये कसूरी मेथी, वो भी 1 टीस्पून। और सारे इन सूखे मसालों के साथ इसको हम अच्छे से भुनेंगे जब तक ऑयल अलग ना हो जाए। ये मसाला पूरा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसको गैस बंद करके ठंडा करेंगे, क्योंकि इसमें हमने 2 टेबलस्पून दही ऐड करनी है। गरम में अगर हम दही ऐड करेंगे तो ये दही फट जाएगी। अब हम थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, मसाले को ठंडा करेंगे। मसाला ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही डालूंगी, और दही डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, नहीं तो दही फट जाएगी।
दही डालने के बाद मैंने इस मसाले को अच्छे से भून लिया है और हमारी ग्रेवी अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। ये मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। ये ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें लेकिन इंद्रहार डालने से पहले मैं इसमें ये सारे जो खड़े मसाले डाले थे वो मैं सब निकालूंगी। अब हमने जो इंद्रहार फ्राई किए थे अब हम ये डालेंगे इस ग्रेवी में और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे सिम पे। पूरे 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी अब बिल्कुल तैयार है। इंद्रहार मध्य प्रदेश की ट्रेडिशनल डिश है। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेवी में भी बना के खा सकते हैं, आप इसकी कढ़ी भी बना के खा सकते हैं। आप कढ़ी बना के और इंद्रहार को फ्राई करके डाल सकते हैं, ये इंद्रहार की कढ़ी बन जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसको स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।